तू ही दुर्गा, तू ही जननी, तू ही जग का गौरव है, तू ही देवी पालनहारी, तुझसे ही जग सारा है। नवरात्रि के पावन पर्व पर जगत कल्याणी माँ दुर्गा के नारी स्वरूप 9 रूपों की आराधना की जाती है। उसमें ये भाव निहित होता है कि जगत की सभी बेटियाँ उनका ही रूप हैं। उन्हें सशक्त करो, उन्हें समृद्ध करो, उन्हें उड़ने के लिए सारा आसमान दो। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी बिना थके, बिना रुके, अविराम निरंतर यही प्रयत्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 38 लाख से अधिक लाडलियों का भविष्य सुरक्षित हो चुका है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों के विवाह की चिंता से परिजन निश्चिंत हुए हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से भी बेटियों की हर चिंता दूर कर उनके आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की बेटियां आज आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। बेटियों के लिए प्रदेश के मुखिया की मंशा और प्रेम किसी से छुपा नहीं है। आज प्रदेश की हर बेटी ये गर्व से कह रही है कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब सीएम सर खुद हमें बोलते हैं कि ये मेरी बेटी हैं, और स्पेशली बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। थैंक यू मामा जी। तो आज विश्व बालिका दिवस पर आप भी ये संकल्प लें कि प्रत्येक बेटी में माँ दुर्गा की छवि को समाहित कर बेटी के मान सम्मान की रक्षा सदैव करेंगे और बेटियों के लिए सुरक्षित समृद्ध मध्य प्रदेश गढ़ेंगे।